अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर दो टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि यह शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे के वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो मादे मासियत यानी जो गुनाहों का मादा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे। जब दूसरे बच्चों ने यह सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए, सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर हैं। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाकये ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाकया और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे जहां आपकी अम्मी आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यसरिब गई। यसरिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यसरिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यसरिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यसरिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोईया और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यसरब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर
बीबी आमिना यसरब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यसरब से जब वो चलकर मकामे अबुआ पर पहुंची, जहां पर उनके शौहर यानी सरकारे दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाबे अब्दुल्लाह की कब्र थी, तो वहां ठहर गई। क्या ठहरना पड़ा, गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का शिफाखानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी, जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सासों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उसकी खबर गिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, दो चार दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था, कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। दो चार करवटे ली और नन्ने मोहम्मद परदेस में बिन मां के रह गए और वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक, मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकारे दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।